नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी लेंगे जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक नई फसल के रूप में आई है और इस फसल में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इस फसल को न कोई जंगली जानवर खाता है और न ही इसमें कीड़े और बीमारियां लगती हैं। ऐसे में जो हमारे कृषक भाई हैं और जो जंगली जानवरों की समस्याओं से जैसे भालू, कौड़ी, बंदर, जंगली सुअर, इनकी समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके लिए ये फसल जो है वरदान साबित होगी। और जो हमारी परंपरागत फसलें हैं उन फसलों से ये जो है कहीं ज़्यादा अधिक हमें आमदनी देती है। इसका पौधा जो है जैसे भांग का पौधा होता है उसी तरीके का होता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादा और ब्रांचिंग जो होती है इसकी शाखाएं ज़्यादा होती हैं। पौधे की हाइट जो है 1.5 से 2 मीटर तक हो सकती है और अगर आप उसको मेंटेन अच्छे से करते हैं तो जैसा ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा जो है वो फैल जाता है और एक पौधे से कम 3 से 4 किलो तक आप पत्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पत्तियों की ही जो है मार्केट में बिक्री होती है और उससे जो है रोजमेरी टी जो है वो बनती है। इसका तेल भी निकाला जाता है और तेल से जो है वो परफ्यूम वगैरह बनते हैं और जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं मेडिकल वगैरह में इसकी जो है तेल को यूज किया जाता है। इसका तेल जो है वो जो हमारी स्किन की डिजीज होती है उसमें और जो हेयर फॉल है और जो बालों का सफ़ेद होना है, डैंड्रफ है, उसको रोकने में काम आता है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा पौधे के बारे में। जो रोजमेरी का पौधा है वो एक श्रब की तरह होता है, झाड़ी की तरह होता है और ये गुड सोर्स होता है आयरन, कैल्शियम और विटामिन B6 का। जो इसका तेल है बेसिकली परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और जो इसका तेल है, अगर तेल या फिर चाय, अगर आप इसकी चाय बना लें रोजमेरी टी, तो वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है और जो विद्यार्थी लोग हैं जो पढ़ते हैं उनके जो है मेमोरी क्षमता जो होती है उसको भी बढ़ाती है, उनके जो है जो याद करने की शक्ति है, स्मरण शक्ति जिसको हम कहते हैं उसको जो है ये बढ़ाती है और कंसंट्रेशन को भी जो है ये एकाग्रता को बढ़ाती है। इससे जो है आंखों के चारों तरफ जो धब्बे बनते हैं जो गोल गोल, उससे भी जो है राहत मिलती है और जो दृष्टि है आंखों की उसको भी ये बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी चाय को पीना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो 1200 से मीटर से ऊपर के जो हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र हैं उन पे ये आसानी से उगाई जा सकती है और इसको 2 सीजन पे आप लगा सकते हैं। अगर आप पौधों के माध्यम से इसको लगाना चाहते हैं तो आप जून जुलाई में जिस समय बरसात का सीजन हो उस समय इसको लगा सकते हैं और अगर आप कटिंग के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो जो है आप इसको अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। एक बार पौधा लगाने के बाद में ये कम से कम जो है 15 साल तक आपको पत्तियाँ देता रहता है, बशर्ते आप उसका जो है प्रॉपर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस उसकी करते रहें। इसकी जो कॉमर्शियल लाइफ है वो जो है 10 साल तक मानी जाती है, 10 साल बाद से आपको जो है रिप्लेस उसको कर देना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर जो है आप इसकी जो पौधे की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो जल्दी जल्दी होती है और फिर जो है आप जल्दी जल्दी इसकी जो है कटिंग जो है ले सकते हैं। पहली कटिंग आप जो है रोपाई या बुआई जो भी आप करेंगे कटिंग से करेंगे, जो चाहे पौधे के माध्यम से करेंगे, तो उसके जो है 3 माह पश्चात जो है पहली कटिंग लेंगे और उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट कटिंग होगी वो जो है 2 माह पश्चात आप उसकी 2-2 महीने के अंतराल पर आप ले सकते हैं। चूंकि ये पौधा जो है रेनफेड एरिया का है इसमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मिट्टी सूखने लगे और बरसात ना हो रही हो तो पानी आपको देना पड़ेगा। और पहला पानी जो है कि पहली सिंचाई जो है इसकी, जैसे ही आप पौधा लगाते हैं पौधे रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करनी पड़ती है। जरूरत इसमें ध्यान रखने की ये होती है कि इसमें जो है पौधों की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पौधों की जड़ों में पानी रुक जाता है
तो जो है आपके जो पौधे की जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं, क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं वो निडल शेप की होती हैं और उनके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, तो इसलिए जो है इवेपोरेशन जो होता है पौधों की पत्तियों से जो पानी उड़ता है वो बहुत ना के बराबर उड़ता है। तो ऐसे में ये उन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी जहां पर पानी की कमी है, वहां पर एक बार आप लगा दीजिए इसको और उसके बाद में जो है बस बीच बीच में थोड़ा कटिंग करते रहिए, और अगर जो है बहुत ज्यादा सूख रहा है पौधा तो आप एक दो बार सिंचाई दे दीजिए बस। फील्ड को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, आप जो है अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं और जो है बैल से जुताई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फाइन सीड बेड हमें इसके लिए नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है महीन जो है मिट्टी को कर दें और वैसा जो है खेत तैयार करें, ऐसा नहीं चाहिए। जो एक रफ सीड बेड हमें चाहिए इसके खेती के लिए, बशर्ते आपको उसमें जो है प्रॉपर जो है बेंडिंग कर देनी चाहिए, उसकी जो मेड़ है वो आप अच्छे से बना लें। अगर मेड़ आप अच्छे से नहीं बनाएंगे तो जो मॉइस्चर है, जो हमारी कभी कभार जो है बारिश हो भी जाती है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ पर जो है पानी को आप जो है संरक्षित कर सकते हैं और वहाँ पर जो है मिट्टी में जो है नमी बनाने में जो है मेड़ों का बहुत ज़्यादा योगदान है। कई क्षेत्र हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर मेड़ नहीं बनाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो है आप जो है जब खेत बनाए तो उसमें मेड़ जरूर बनाए ताकि जो है जो पानी हो वर्षा का वो वहाँ पे संरक्षित किया जा सके। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम बुआई के साथ इसमें देना चाहिए। नाइट्रोजन को जो है हम तीन स्प्लिट में, तीन भागों में बांट के देंगे। पहला 30 किलो जो है बुआई के साथ देंगे, बाकी जो 30 30 किलो होगा, 30 30 और एक 40 कह लीजिए, वो जो है हम जब जो है इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद में हम सिंचाई करेंगे और सिंचाई के साथ में हर एक कटिंग के बाद में उसको जो है अपने खेत में डालेंगे। जैसे जो है फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो जाए और सेकंड ईयर हम ऑनवार्ड से जो है जो इसकी जो डोज है उसको सीधा हम आधा कर देते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम को तो बिल्कुल आधा कर लेते हैं और जो नाइट्रोजन है उसको जो है 80 किलो के आसपास हम जो है इसमें देते रहेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जितना आप इसमें हार्डी इसको रखेंगे उतनी जो है ऑयल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी पत्तियों की जो है उपज ज़्यादा हो तो आप नाइट्रोजन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो तो आपको नाइट्रोजन को कम करना पड़ेगा। ये मतलब इनमें आपस में जो है इस तरीके का संबंध होता है, जो हमारे ऑयल प्लांट होते हैं, ऑयल सीड वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनमें हम ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा अगर नाइट्रोजन डाल देते हैं तो ऑयल का कंटेंट जो है वो घट जाता है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। और अगर आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, या आप ऑर्गेनिक तरीके से उसको उगाना चाह रहे हैं तो आप 10 टन अगर आप गोबर की खाद है तो वो डाल सकते हैं, अगर वो नहीं है या वर्मी कंपोस्ट है तो जो है 2.5 टन वर्मी कंपोस्ट आप इसमें खेत में डाल सकते हैं। खेत तैयार करने के बाद में जो है आप लाइन बना लें 60-60 सेंटीमीटर पे, इसको तीन तरीके से लगा सकते हैं आप, 60 बाय 60 की दूरी पे लगा सकते हैं, 60 बाय 45 पे लगा सकते हैं या फिर 50 बाय 50 पे लगा सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो। अगर आप बहुत ज़्यादा वाइडर स्पेसिंग ले रहे हैं, ज़्यादा गैप है दो लाइनों के बीच में 60 बाय 60 का, तो आप उसके बीच में कोई दूसरी फसल भी जैसे डेंडिलियन और बहुत सारी फसलें जो आपकी पारंपरिक फसलें हैं उनको भी आप उसके बीच में ले सकते हैं, आलू भी आप उसके बीच में ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा 60 बाय 60 की गैप ज़्यादा है, तो आप उसमें जो है कोई अपनी उद्यानिक फसल गोभी लगा सकते हैं या कोई और फसल जो भी आपको जो है सुटेबल हो वो लगा सकते हैं। विशेष ध्यान ये देना है कि इसमें जो है पानी स्टैग्नेट नहीं करना चाहिए, इनिशियल जो हमारा 30 डेज है उस दौरान जो है खेत में घास नहीं उगनी चाहिए, उसके लिए आप जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है रोजमेरी की खेती पहाड़ों में सक्सेसफुल तरीके से की जा रही है। ये देखिए ये जो है रेज्ड बेड पे डबल रो प्लांटिंग की गई है रोजमेरी की, ये देखिए किस तरीके से जो है रोजमेरी ये छोटी अवस्था में अगर ये फैल जाता है तो बहुत ऐसा फैल जाता है ये कि जो जो बीच का गैप होता है वो ऑटोमेटिकली जो है भर जाता है। आप चाहें तो जो है प्लांटिंग मटेरियल तैयार करके भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, उत्तराखंड सरकार जो है आपको प्लांटिंग मटेरियल दे रही है, आप उसको जो है अपने खेत में लगाइए, उससे जो है आप दूसरा प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं।
आप कृषि विभाग या उद्यान विभाग या फिर किसी एनजीओ के माध्यम से जो है रोजमेरी के पौधे प्राप्त कर सकते हैं, और उनको जो है फिर आप चाहे नर्सरी में या आप अपने खेतों में लगा के उसको जो है अक्टूबर के माह में जो है आप उनकी कटिंग से जो है और पौधे तैयार कर सकते हैं। नर्सरी बनाते समय हमने कई बार जो है गांव गांव में ट्रेनिंग में भी बताया है कि एक हिस्सा जो है रेत का, एक हिस्सा गोबर का और एक हिस्सा मिट्टी का आप लेकर के नर्सरी की मिट्टी बना लेंगे, और उसमें जो है अगर आपके कुरमुला वगैरह आते हैं पहले से तो उसमें जो है हम जो है 4-8-10G को मिला करके अच्छी तरह से जो है पोटिंग मिक्सचर जो है तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है उसमें हम जो हमारी कटिंग है उसको लगा लेंगे, बहुत पास पास तरीक लगा लेंगे कटिंग को, और जब उसमें रूटिंग आ जाए तो हम उसको जो है अपने जो पॉली बैग्स होते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, और फिर जो है हम जो है उसमें उससे जो है उसको बेच करके आमदनी कमा सकते हैं। वो एक पौधा कम से कम 15 से 20 रुपए का बिक जाता है आसानी से। जब आपका पौधा जो है 3 महीने का हो जाए तो आप पहली कटिंग ले सकते हैं। कटिंग लेते समय ध्यान देना है कि जो पौधे की जो साइड ब्रांचिंग आ रही है उसको आप काट लेंगे, और जो है पहली कटिंग के बाद में जो अगली कटिंग है वो जो है 60 से 70 दिन के बाद में ली जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो फसल है वहाँ पर जो है टेम्परेचर कैसा है और जो फसल है उसकी जो है वो ग्रोथ कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा तो निश्चित रूप से जो पौधे की बढ़वार होगी वो कम होगी, तो ऐसे में जो है हमें अधिक समय लग सकता है। ये कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं इसकी फसल के साथ में। इरिगेशन जो है हमें तभी करना है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अन्यथा नहीं करना है। और ध्यान देना है कि जो हमारा खेत है वहाँ पानी बिल्कुल ना रुक सके। हर एक कटिंग के बाद में जो है आपको पहले सिंचाई करनी है, उसके बाद में वहाँ पे जो है आपको यूरिया का छिड़काव करना है। बिल्कुल भी जो है खेतों में पानी इस तरीके से सिंचाई फ्लड इरिगेशन नहीं करना है, और अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी का जमता है या पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर जो है ड्रेनेज चैनल बना लिया जाए या फिर जो है वहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और किसी प्रकार के केमिकल का छिड़काव करने से कम 20 से 30 दिन तक जो है पत्तियों को ना तोड़ा जाए। और अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें जो है फंगल इन्फेक्शन आ रहा है तो उस प्लांट को जो है तोड़ करके खेत से थोड़ी दूरी पर जा करके उसको जो है जला दें, ताकि जो है जो हमारे दूसरे पौधे हैं उन पर जो है बीमारी ना आए। पत्तियां जब बड़ी हो जाए तो कटिंग के बाद में उनको जो है डायरेक्ट सनलाइट में आप उसको नहीं जो है सुखाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारे एसेंशियल ऑयल है लीफ में वो जो है इवेपोरेट हो जाएगा, और उससे जो है जो हमारी सुगंध है पौधों की वो जो पत्तियों की वो नहीं रहेगी। इसलिए हमें जो है जो पत्तियों को जो है सुखाना है तो उसके लिए हमें सन ड्रायर यूज करने चाहिए। या तो सन ड्रायर यूज कीजिए या फिर आपको शेड में उसको सुखाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है पत्तियों से तेल निकालें तो आप जो है डिस्टिलेशन यूनिट ले सकते हैं, और या फिर जो हम जो आपके क्षेत्र में कृषि विभाग, उद्यान विभाग या फिर जो है एक अलग डिपार्टमेंट होता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का अलग डिपार्टमेंट होता है, या फिर शेलाकुई में जो है हमारा सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट है, वहाँ से संपर्क करके आप जो है कई सारे किसान जो है मिलकर के एक समूह बना ले, और उस समूह के माध्यम से जो है आप ड्रायर खरीद सकते हैं या आपको सरकार द्वारा निःशुल्क प्राप्त होगा। तो इसके लिए ये आप जो है तेल निकाल के फिर बेच सकते हैं। मार्केट में तेल जो है 2,500 से 3,000 रुपए किलो के हिसाब से बिक जाता है, कभी कभी 2 से 2.5 भी बिकता है, ये मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। आप जो है खुद भी जो है चाहे तो उसको ड्राई करने के बाद में पैकेजिंग कर लें, और जो आपके गांव में या जो 2-3 गांव मिला करके आप एक समूह बना लें, उस समूह के माध्यम से भी आप जो है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और आप इंडिविजुअली भी चाहें तो अपने प्रयास से भी जो है पौधों जो लीव्स हैं उसकी उसको ड्राई करके पैकेट में भर लें, और पैकेट में 100-100 ग्राम के, 200-200 ग्राम के पैकेट जो है बना करके बेच सकते हैं। इस तरह से इसकी मार्केटिंग की जा सकती है, नहीं तो आप थोक में भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। अब बात करते हैं इसकी उपज की और हमें कितना इससे प्रॉफिट हो जाएगा। एक साल में लगभग हमें 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो है हमें उपज प्राप्त हो जाती है। अगर हम ऑयल की बात करें तो 100 से 150 किलो ऑयल हमें
प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मिल जाते हैं। ये हमने मिनिमम ही रखा है। अगर हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये इसमें लग जाते हैं, और जो हमें आय प्राप्त होती है वो जो है कम से कम 2,000, 2,40,000 या कह लीजिए 2,50,000 रुपए की हमें इसमें आमदनी हो जाती है। और अगर आप और ज़्यादा मेहनत करोगे तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा आपको जो है इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और नेट रिटर्न अगर हम कहें तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का नेट रिटर्न इसमें मिल जाता है। शुद्ध आय अगर हम कहें तो 2 लाख रुपए की शुद्ध आय हो जाती है। और लेकिन बस यही है कि प्राइस फ्लक्चुएशन इसमें रहते हैं मार्केट में, कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कमी हो जाता है, लेकिन आजकल जो है डिमांड ज़्यादा ही है, इसकी कम नहीं है। तो ये जो आप एक पौधा देख रहे हो बगल में, ये देख सकते हैं कि कितना ये फैला हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि एक रोजमेरी के पौधे से आपको कम से कम 3 से 4 किलो पत्तियां तो आसानी से मिल सकती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको ये चैनल जो है यूजफुल लगता है, तो अगर उपयोगी है आपके लिए, तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ नई वीडियोस में जो है आपको कुछ फसल के बारे में बताएंगे जो आपको आर्थिक रूप से निश्चित रूप से मदद कर पाएगी। धन्यवाद।